बिसमिल्ल रहीम आज की वीडियो में हम ऑर्डर थाइसनोप्ट्रा की बात करेंगे जिसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती है थ्रिप्स की थाइसनोप्ट्रा में थैसनोज मींस फ्रिंज एंड द विंग्स इट रेफर्स टू द सिलेंडर विंग्स डेट वी आर अ डेंस फ्रिंज ऑफ लॉन्ग हेयर्स इसका मतलब यह है कि जो ये थ्रिप्स हैं इनकी बॉडी बहुत स्मॉलर होती है सिलेंड्रिकल होती है लेकिन इनकी फ्रिंज यानी कि इनके एजिस के ऊपर लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं

बुकलाइसिस की आ जाती है इनके कैरेक्टर्स में देखें तो इनकी टाइनी टेपर्ड बॉडी यानी कि स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है जो कि वाइडेस्ट है इन द मिडल फ्रिंजिज ऑफ लॉन्ग हेयर्स ऑन द ईच सिलेंडर विंग एजिस के ऊपर लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होते हैं विंग्स की एजिस पे माउथ पार्ट्स कंसील्ड विद इन द हेड कैप्स्यूल इनके यूनिक एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि हेड कैप्स्यूल के अंदर कंसील्ड हुए होते हैं नेक्स्ट इनकी फैमिलीज़ आ जाती हैं सबसे पहली है ईयल और थ्रिपीडी जो कि प्रिडिटरी थ्रिप्स हैं मोस्टली बेनिफिशियल स्पीशीज ये बेनिफिशियल स्पीशीज़ इसलिए है क्योंकि ये प्रिडिट्री हैं और ये कंट्रोल करती हैं माइट्स की और स्मॉल इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को उन पर फीड करके थ्रिपिडी ये कॉमन थ्रिप्स हैं ये हरबीवर्स होते हैं और फैलियो थ्रिपिडी ट्यूब टेल्ड थ्रिप्स हैं ये लार्जेस्ट फैमिली है इस ऑर्डर की थाई सनाप्ट्रा की जो लार्जेस्ट फैमिली है और इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में वो कह रहे हैं कि जो मैनी थ्रिप्स आर डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ प्लांट्स वो प्लांट्स को क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं क्योंकि उन पर फीड करती हैं जिसकी वजह से प्लांट डिफॉर्मिटीज लॉस ऑफ फीड और कुछ केसेस के अंदर प्लांट प्लान्टथोजन की भी ट्रांसमिशन हो जाती है फिर थ्रिप्स बेनिफिशियल स्पीशीज़ हैं अगेन जैसा कि मैंने पहले बताया क्योंकि वो कंट्रोल करती हैं माइट्स को और स्मॉल